वैदिक सरितांजलि की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और ठिठुरती ठंड में रोज़ रात को ये दूध का सेवन ज़रूर करें। मात्र एक ग्लास दूध के सेवन से कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जैसे कमज़ोर हड्डियाँ, हड्डियों का कट-कट बोलना, अनिद्रा जैसी समस्या, बुखार जुखाम से हुई कमज़ोरी और इत्यादि बीमारियाँ। तो पहले मैं बता दूँ आपको कि ये रेसिपी की क्वांटिटी 4 लोगों के लिए है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बादाम, उसके बाद है काजू, और ये है खजूर, और ये है छुआरा, केसर, इलायची पाउडर, मखाना, और इसे कहते हैं पोस्तू, खसखस या पॉपी सीड्स भी। और इसके साथ हमने लिया है गरम दूध, यानी कि एक उबाल आया हुआ दूध। तो चलिए सबसे पहले मध्यम आंच पर एक कढ़ाई गरम करें और उसमें 10 से 15 मखाना को डालें। इसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं बादाम 10 से 15, और इसे भी 30 सेकंड के लिए अच्छे से सेक लें। इसके बाद यहाँ पर लिए हैं 8 से 10 काजू, और ये है एक चम्मच खसखस, यानी पॉपी सीड्स भी कहते हैं। और ये देखिए, हमने यहाँ पे एक छुआरा को इस प्रकार काट के डाल दिया है, और उसी प्रकार खजूर को भी काट लिया गया है, उसमें से बीज निकाल दिया गया है। आप बीज रहित खजूर भी ले सकते हैं और उसे इस प्रकार काट लें, और इन सभी सामग्रियों को अच्छे से सेक लीजिए। यहाँ पर हमने इन सारी सामग्रियों को सेक लिया और ये अच्छे से सिक चुकी है। अब इन सारी सामग्रियों को अच्छे से सेकने के बाद अब हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और इन सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इन सामग्रियों को पीस कर तैयार कर लिया है, और उसके बाद ये इस प्रकार दिखेगी। अब ये मिश्रण बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार दिखेगा। इसके बाद आप एक कढ़ाई को गरम करें मध्यम आंच पर, और इसमें 1 लीटर दूध डालें, यानी कि 4 कप दूध डालें। और आप देख सकते हैं ये दूध पहले से गरम किया हुआ है, यानी एक उबाल आया हुआ दूध है। और ये देखिए, यहाँ पर 1 लीटर दूध डाल दिया गया है। इसके बाद हमने जो मिश्रण बनाया है उसे हम डालेंगे। ये हमने यहाँ पर 4 चम्मच मिश्रण डाले हैं, यानी कि 1 कप के मुकाबले 1 चम्मच मिश्रण जाता है। और यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच पाउडर को डाले हैं। अब इसमें 2 से 3 अच्छी उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी, यानी आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और ये है 1 चुटकी केसर, ताकि इसमें महक भी बहुत अच्छी आएगी और रंग भी बहुत अच्छा निखर के आएगा। और इलायची पाउडर केसर डालने के बाद आप इसे 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लें, और आप देख सकते हैं कि अब केसर का रंग इसमें खूब आने लगा है। और इसे 1 मिनट के बाद हम आंच को बंद कर देंगे, यह बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अब हमने आंच को बंद कर दिया है और यह दूध सेवन के लिए तैयार है। यह बहुत ही गुणकारी होता है, इसे ज़रूर ट्राई करें। यह हमारे दादी नानी के ज़माने से चलता आ रहा रेसिपी है और यह बहुत ही लाभदायक है सर्दियों में स्पेशली। तो इसका सेवन आप ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आपको। और ये रेसिपी आपको, ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद।